नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। योगी सरकार जो कि माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का रवैया रखती है, उसी का नतीजा है कि हमें धड़ाधड़ माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिल रही है। पहले मुख्तार अंसारी और अब अतीक अहमद, अनिल दुजाना और सुंदर भाटी, सब पर शिकंजा कसता जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। योगी सरकार ने प्रदेश के बड़े माफिया नेटवर्क को धराशाही करने के लिए बड़ा अभियान चलाया है। अभियान के निशाने पर मुख्य रूप से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अनिल दुजाना और सुंदर भाटी हैं। इन माफिया सरगनाओं की संपत्ति को जब्त करने के साथ ही इनके गुर्गों पर भी कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक यूपी में 40 माफिया सरगनाओं पर यूपी सरकार और पुलिस की टेढ़ी नजर है, जिसके चलते इनकी करीब 300 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति और अवैध धंधे बंद किए जा चुके हैं। यूपी सरकार ने अब तक प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट में 495 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मुख्तार अंसारी के गुर्गों और करीबियों के खिलाफ हैं। पुलिस ने माफिया के खिलाफ इस बड़े अभियान में अब तक आगरा जोन में 48 करोड़, वाराणसी जोन में 47 करोड़, बरेली जोन में 25 करोड़, इसी तरह आजमगढ़, गाजीपुर, नोएडा में करीब 10-10 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। अकेले मुख्तार अंसारी की ही 100 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। कल ही लखनऊ के सबसे पॉश इलाके में से एक हजरतगंज के डाली बाग में मुख्तार अंसारी की करोड़ों की संपत्ति को जमींदोज कर दिया गया। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास और उमर के नाम पर संपत्ति थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम 20 जेसीबी और 250 से अधिक पुलिस कर्मियों और पीएसी के साथ मौके पर पहुंची और 2 मंजिल बिल्डिंग गिरा दी गई। लखनऊ विकास प्राधिकरण की माने तो प्राधिकरण के दस्तावेज में दर्ज घाटा संख्या 93 का यह हिस्सा शत्रु या निष्कांत संपत्ति है, जिसको 20 साल पहले दस्तावेज में हेर फेरी कर पहले मुख्तार अंसारी की मां राबिया के नाम से दर्ज कराया गया था और फिर मुख्तार के दोनों बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी इस सरकारी संपत्ति के मालिक बन बैठे। लखनऊ विकास प्राधिकरण की इस जमीन पर बने अवैध निर्माण को गिराने में जो खर्च आया, उसको भी अब्बास अंसारी और उमर अंसारी से वसूला जाएगा। साथ ही FIR दर्ज करने पर उन अफसरों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं जिनके कार्यालय में इस सरकारी जमीन पर न सिर्फ कब्जा हुआ बल्कि निर्माण तक करा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।